और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका फायदा घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। और ये यात्रा यूपी के कई जिलों में पहुंची है। आगरा, झांसी, श्रावस्ती और अमरोहा में बकायदा मेले का आयोजन कर यहाँ के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और आम जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया गया। कई जगहों पर जनप्रतिनिधि खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों को बताया कि वो किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जनता के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिनके जरिए ही लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। लोगों ने यहाँ विकसित भारत की शपथ भी ली। तो वहीं जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं से फायदा मिला, उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किए। स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, स्वयं सहायता समूह, उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजनाओं से लाभ उठा चुके लोगों ने बताया कि उन्हें किस तरह से केंद्र की योजनाओं का फायदा मिला। योजनाओं का लाभ मिला, जैसे कि पीएम स्वनिधि विश्वकर्मा योजना, मेरा आयुष्मान कार्ड भी है, मुझे सिलेंडर भी प्राप्त हुआ है, उज्ज्वला योजना। वही सरकार की जो योजना है, मालिकाना हक दिया गया है, जिससे हम लोग पहले हम लोग घरों पर सरकारी आवास पर और आबादी दर्ज होती थी, लेकिन हम लोग के नाम जमीनें नाम कर दी गई हैं। मेरा आयुष्मान कार्ड बना है, तो मुझे पथरी की समस्या हो गई थी, तो इससे मैंने लाभ उठाया, अपना ऑपरेशन भी करवाया मैंने। पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी खाना बनाने में, चूल्हे पर रोटी बनाते थे, आँखों से धुआं भी निकलता था, लकड़ी भी लेके आनी पड़ती थी, आँखों में बहुत दिक्कत होती थी। अब मोदी जी की कृपा से हमें ये फॉर्म भरा, योजना के तहत पता चला तो हमने फॉर्म डाला, फॉर्म के तहत हमें सिलेंडर फ्री मिला उज्ज्वला। किसान निधि का भी मुझे बहुत लाभ हुआ है और इसको